सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M32 ये जो फोन है ये लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 रीजंस जिस वजह से आपको इस फोन की तरफ जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है इस फोन का डिस्प्ले, 6.43 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसकी पीक ब्राइटनेस जो है वो 800 निट्स तक जाती है, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है इस फोन की। इसी के साथ ये जो है 401 के PPI के सपोर्ट के साथ आता है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो 90% से भी ज़्यादा आता है, जिस वजह से अगर फ्रंट साइड से आप देखते कोई वीडियोस वगैरह देखते तो आपको वीडियोस जो है बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। और इसी के साथ सैमसंग का एमोलेड पैनल है, इस वजह से कलर्स बहुत ही ज़्यादा पंची दिखाई देंगे। अगला रीज़न है इस फोन को लेने का इस फोन के अंदर आने वाला कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर जिसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो 123 डिग्री तक जाता है। नॉर्मली जो फोन्स आते हैं उनके अंदर 119 डिग्री तक फील्ड ऑफ व्यू जो है हो जाता है, इस फोन में थोड़ा ज़्यादा अल्ट्रावाइड शॉट जो है वो आप ले सकते हैं। उसी के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब ये दोनों सेंसर किसी काम के नहीं है लेकिन 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी सेंसर है वो बड़े काम का दिया है, मतलब इस फोन में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर जो है वो बहुत ही बढ़िया है अगर आप कंपेयर करते हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसी के साथ तीसरा रीजन है इस फोन के अंदर आने वाली बैटरी बैकअप, 6000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलते हैं, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बॉक्स के अंदर 15 वाट का ही फास्ट चार्जर आता है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी बैकअप है जिस वजह से अगर आप पूरे दिन तक इस फोन को बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते तो भी आराम से ये जो फोन है एक दिन तो आराम से निकाल लेगा, मतलब बैटरी जो है वो आपको एक दिन तक आराम से चली जाएगी। और अगला रीज़न है इस फोन को बाय करने का इस फोन की प्राइस, ये जो फोन है 15000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स वगैरह लगाते तो ये फोन 12.5 से 13 हज़ार में मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पे आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी अच्छी मिलती है, कैमराज भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। अगला रीज़न है इस फोन को बाय करने का इस फोन के डिज़ाइन जो है क्लासिक लुक देता है, सैमसंग गैलेक्सी M42 ये जो फोन है इसके जैसे ही क्लासिक लुक लेता है, बहुत ज़्यादा हेवी या फिर बहुत ज़्यादा ग्लोसी नहीं आते ये डिज़ाइन, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। तो यही थे कुछ रीजंस जिस वजह से आपको इस फोन की तरफ देखना चाहिए।